इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं, और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफ़ी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा तो अंदर उसके बाकी साथी थे, उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्स की तरफ उन्होंने फेंके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा, और रात भर और सुबह फर्स्ट नाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंकी, तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे। और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के तीन मारे गए। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो कि मीडिया के माध्यम राही असी ये जितने भी प्रोग्राम ने संगत तक पहुँचाते। वाहेगुरु जी की फतेह। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आगमन पूर्व के संबंध में की गई है, जो कि अकाल तख्त हुक्मनामे आए ने 20 जनवरी 2021 गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का आगमन पूर्व मनाया जा रहा है। उस संबंध में 18 तारीख नगर कीर्तन जो कि चांद नगर तो आरंभ होकर नानक नगर विच के समापत होंगे, वो भी कटे जाएंगे। सबू संगतान बेनती है कि वध तो वध हुम हुमा के 20 तारीख 2021 गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांद नगर विखे पहुँचन, जिथे कि हजूरी रागी जत्थे दरबार साहब, हजूरी प्रचारक दरबार साहब अते होर महान हस्तियां इत्थे इस समागम के शमूलीयत करनगे। सारिया संगतान बेनती है कि जिस गुरु ने अपना सर्वस वार के सानू आजादी दिलवाई, एकता अखंडता दे विच अपना भाग पाया, उस गुरु का गुरपुरब असी 20 तारीख मना रहे हैं। सारिया संगतां इस दे विच शमूलियत करन। अजय लखोत्रा, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। आपको पहले भी पता है कि हम लोग यहां पे छात्रों के साथ यहां पे हमेशा खड़े मिलते हैं। आपको मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को आप लोग ही सबसे बड़े साक्ष्य थे इस बात के, किस प्रकार कंट्रोलर साहब बाहर आए थे और छात्रों को आश्वस्त किया था कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। सबके जो मसले अटके हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हर किसी का काम स्लो था, लेकिन इतना भी स्लो नहीं था कि आप स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कंट्रोलर साहब ने कहा था कि हम 22 तक या 31 से पहले, जैसे कल 31 है, हम लोग सबका जो इशूज है रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये बच्चे हैं हमारे पहले, तीसरे, पांचवें और सेकंड सेमेस्टर एनुअल के, जो ईयरली स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स के साथ हमने क्या किया, एनुअल वालों के तो एग्ज़ाम लेके रखे हैं, रिजल्ट का कोई पता पता नहीं है। एक बात, सितंबर अक्टूबर में इन बच्चों के हमारे इवन सेमेस्टर जो ऑड सेमेस्टर जो है इनके पेपर होने थे, 6 सेमेस्टर से पहले होते हैं या उनके साथ साथ होते हैं, आज तक नहीं हुआ। जब इनको पूछा जाता है कि पेपर क्यों नहीं हुए, वो सॉरी बच्चा मेरे दिमाग से निकल गया, ये कौन सा एक्सक्यूज़ हुआ। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि इन स्टूडेंट्स की अब सीधी डिमांड है मास प्रमोशन, क्योंकि पेपर दे कांट अफोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर ये एग्जाम फरवरी 2021 में देंगे तो उनका एक साल पूरा वेस्ट हो रहा है। हम एक शर्त आपकी वसादत से यूनिवर्सिटी के सामने ये भी, क्योंकि कुर्सियों पर तो मिलते नहीं है। वीसी साहब देख लो, ताला गेट पे आपके सामने ताला तोड़ा, कंट्रोल एग्जामिनेशन का ताला तोड़ा, अंदर गए तो सर गायब है। वो तो डिपार्टमेंट है सर, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं, क्लासें लग रही, डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? तो ये सिर्फ बहाने हैं, बहानेबाजी है। हमारी ये डिमांड है, मास प्रमोशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जल्द से जल्द होनी चाहिए और इनका साल वेस्ट। और जब तक इनका कोई डिसीजन नहीं होता, एग्जाम जो हमारी पीजी एडमिशन है उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम इसके घातक होंगे। मैं आशीष गर्ग, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने 65,000 सदस्य। मैं आशीष गर्ग, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने 65,000 सदस्य और 300,000 विद्यार्थियों की ओर से जम्मू कश्मीर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, हमने विशिष्ट कारणों से किया हुआ है। आज अभी हमने IIM जम्मू के साथ में जो हमारा 11 अगस्त को MOU साइन हुआ था, उसको हमने वापस फिजिकल रूप में डिस्कस किया है। और IIM जम्मू के साथ में हम काफ़ी सारे कार्यक्रम आने वाले समय में करने वाले हैं अपने मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, जम्मू यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपने देश में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है, आज उनके साथ में हमने MOU साइन किया है। इसके द्वारा जितनी भी जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस आते हैं उनके विद्यार्थियों के लिए हम लोग अलग अलग सिग्नेचरों और लाइव इनिशिएटिव बहुत सारे स्कीम्स हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में एकेडमिक कनेक्ट का और फ्री CA CET का MOU चलाना। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के सारे विद्यार्थियों के लिए अपने कंपनी सचिव संस्थान में एडमिशन लेने के लिए 100% फीस वेवर किया हुआ है। ये पॉइंट मैं चाहता हूँ कि मीडिया विशेष रूप से हाईलाइट करे, जम्मू कश्मीर का कोई भी विद्यार्थी यदि CS करना चाहता है तो बिना कुछ भी पैसे दिए 100% फीस वेवर के साथ में वो कंपनी सचिव बन सकता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले भी एक दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे प्राइवेट स्टूडेंट्स की डिमांड को लेके। उनको कुछ बच्चों को ने, जो इवन सेमेस्टर के बच्चे थे, उनको उन्होंने थोड़ा मतलब संतोषजनक फैसला दिया था कंट्रोलर साहब ने। आपके सामने यहाँ पे मीडिया के सामने सारी बातचीत हुई थी, किस प्रकार उन्होंने कहा था कि हम लोग स्टूडेंट के हितेशी है, हम स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना नहीं देना चाहते, हम लोग इनकी डिमांडों को पूरा करेंगे। लेकिन जब बात आई वहाँ पे बाकी वाले स्टूडेंट्स की, उन्होंने तब मीडिया के सामने बोला था कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स के मसले जो है वो हल करेंगे, लेकिन वो पहले सेमेस्टर के, तीसरे सेमेस्टर के, पांचवें सेमेस्टर के और वो सारे बच्चे जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हो पाए कोविड की वजह से, वो बच्चे क्यों इनकी लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। आज की तारीख में ये हो गया है, जो एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में होते थे, 6 सेमेस्टर से पहले पेपर होते थे वो बच्चों के, लेकिन आज वो बच्चे इनकी सुस्ती की वजह से, नाकामी की वजह से आज वो बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने हैं। इतनी ठंड का आलम है और यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे बार बार यूनिवर्सिटी के बाहर आके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर आप लोग पेपर अब अगले साल में लोगे तो उनका एक साल तो सीधा सीधा वेस्ट हो गया है, और पीजी की एडमिशन जो कल उसकी लास्ट डेट है, तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? ये बच्चे दर बदर हो गए हैं, एक एक सप्ली की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है। इसलिए मेरी डिमांड है कि जल्द से जल्द बच्चों को मास प्रमोट करके, और जब तक उनका फैसला ना आता है, इसको डेट को, एडमिशन डेट को, पीजी एडमिशन को एक्सटेंड किया जाए। First of all, I am very thankful to all of you for your ever forever support. आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज जो हम ये विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करने जा रहे हैं उससे पहले मैं ये कहूँगी, मैंने इलेक्शन फाइट किया, मैं इलेक्शन फाइट करने के लिए आई थी, तो मैंने पहले ही कहा था कि चाहे मुझे 20 वोट मिले या 20,000 वोट मिले, मेरा जो मैनिफेस्टो है मैं उस पर स्टैंड रखूँगी, मेरा जो एजेंडा है मैं उस पर, जैसा जो मेरी स्पीड है वो वैसी ही रहेगी।
तो कालाकोट आज जनता ने अपना मैंडेट चूज किया है, चुना है, मैंडेट दिया है। तो कालाकोट के लोगों और वहाँ के जितने भी जो भी लोग हैं, उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना मुझे प्यार दिया, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। मैं उन सबको, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसे बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। उसके बाद जो हमारा ये जो मेरा मैनिफेस्टो था, अब ये हमारा एजेंडा बन गया है। मेरी टीम जो है इस एजेंडे पे काम करेगी और उन सबको मजबूर करेगी कि इस एजेंडे पे काम करें। वो विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने के पीछे हमारा यही मकसद है कि आने वाले दिनों में जो है हम कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो हम लोग काम करेंगे। जैसा भी सोनम शर्मा जी ने आपको बताया है कि हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये एक इतना से मॉडिफाइड वर्जन है। और इस इलेक्शन हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम के थ्रू मैं जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है कालाकोट की, मैं उनका भी आह्वान करूँगा कि आप लोग भी आगे आइए और इस विजन डॉक्यूमेंट को जो है हम ग्राउंड लेवल पर जाकर जो इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब जो कालाकोट है वो अंडर डेवलप नहीं रहेगा। अब जो कालाकोट के अंदर जो करप्शन है, जो कालाकोट के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरह से सोनम शर्मा जी ने यह बताया कि इलेक्शन जीतना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं था, हमारा ये मकसद था कि हम लोगों के बीच में जाएं, हम लोगों की समस्याओं को सुने, हम कालाकोट की समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाए। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो हमने अचीव की है वो एक तरह से हम लोगों की रियल सक्सेस है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 2019 में भारत सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया गया था कि ग्लोबल पीस एंड हारमोनी के ऊपर जो है एक अवेयरनेस कंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जाए। और वही अवेयरनेस कंपेन जो है हमने राजौरी के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, वो थन्ना मंडी का कॉलेज हो, वो मैंडर का कॉलेज हो, वो राजौरी का कॉलेज हो, उसमें जो है हमने डिफरेंट जो है एक्सटेंशन लेक्चर दिए थे। मैं भी उनमें एक की स्पीकर था। और वहाँ लेक्चर देने के बाद जब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कालाकोट के अंदर जाएंगे, कालाकोट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं वहाँ के कॉलेज के अंदर जो है हम उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ के कॉलेज की हालत बहुत खस्ता है। वो सिर्फ 3 ही कमरों में जो है वो कॉलेज सीमित है। तो वहाँ के लोगों ने हमें कहा कि सर, आप लोग जब इतना काम कर रहे हैं, पूरी स्टेट के अंदर काम करते हैं, नेशनल लेवल पर आप लोग काम करते हैं, तो आप जब यहाँ के इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं तो आप हम लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते, आप इस एरिया के लिए काम क्यों नहीं करते। तो उन लोगों की अपील को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह सोचा कि नहीं, अब हमें जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करनी है। और उसी कड़ी के तहत जो है हमने वहाँ पे इलेक्शन फाइट करने का सोचा, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि पिछले काफ़ी सालों से वहाँ की जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, वो जाति के नाम पे वोट मांगती है, वो कभी मुस्लिम के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी राजपूत के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी ब्राह्मण के नाम पे वोट मांगेंगे। जो कालाकोट की रियल समस्याएं हैं, जो कालाकोट के रियल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर वहाँ की लीडरशिप ने कभी भी बात नहीं की है। हमने वहाँ के जो रियल इश्यूज़ हैं, चाहे वहाँ पे आप कोल माइंस की बात करें, हमने उस इशू को देखा। आप अगर सियोट और जो राजौरी का जो लिंक रोड है उसकी बात करें, या मैथका रोड की जो बाकी जो डिफरेंट लिंक रोड है उनकी बात करें, हम लोग तत्ता पानी जो कि टूरिज्म हब हो सकता है, हमने उसकी बात की। जो एजुकेशन की वहाँ पे खस्ता हालत है, हमने उसकी बात की। उन समस्याओं को लेकर जो है हम लोगों के बीच में गए हैं। और ठीक है, इलेक्शन का जो रिजल्ट होना था वो रिजल्ट हुआ, लेकिन आज हम इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं कि जो लोग वहाँ पे इलेक्शन जीत कर आए हैं वो लोग ये ना सोचें कि हमने इलेक्शन जीत लिया है, अब हम चैन की नींद सोएंगे और 5 सालों के बाद फिर हम लोगों के बीच में जाएंगे और फिर हम धर्म के नाम पर, फिर हम लोग जो है जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं आज मीडिया के माध्यम से उन सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब भूल जाइए कि धर्म के नाम पे जो है वो धर्म के नाम या जाति के नाम पे जो है यहाँ पे वोट मांगे जाएंगे। अब हम सबको मिलकर काम करना होगा, ये काम हम भी करेंगे और ये काम उन लोगों को भी करना होगा। ये विजन डॉक्यूमेंट जो है, ये विजन डॉक्यूमेंट मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स को भी कहता हूँ, आइए आप इस विजन डॉक्यूमेंट को कॉपी कीजिए, हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप भी इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि कालाकोट को डेवलप करना है, कालाकोट को कर्फ्यू फ्री बनाना है, कालाकोट को एजुकेशन का हब बनाना है, कालाकोट का टूरिज्म का हब बनाना है और वहाँ के यूथ को स्टेट और नेशनल लेवल पे जो है वो लेकर जाना है, उनके टैलेंट को वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। और आने वाले अगले सालों में इस विजन डॉक्यूमेंट को हम ग्राउंड लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और खेती जो Thank you.
ये स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी पे उनके जन्म दिवस पे जो होता है, तो ये पहले हमारे नेशनल लेवल पे होता था, ये 12 से 16 तक इसकी डेट फिक्स है हर साल, लेकिन इस साल कोविड की वजह से ये हमारा फिजिकल तौर पे वहाँ पे नहीं होगा, तो ये वर्चुअल मोड पे होगा। तो ये आज हमारा जहाँ पे स्टेट लेवल है, पहले हमने इसको डिवीजन लेवल पे किया, तो ये आज से 30 से लेकर 4 जनवरी तक ये हमारा रहेगा स्टेट लेवल, उसके बाद 5 से लेकर 8 तक जो है ये हमारा नेशनल लेवल का होगा, जल्द इसकी वीडियो जारी होगी, तो फिर इसको वर्चुअल मोड पर हम आगे करेंगे। इसके थ्रू यहाँ कराया जा रहा है, ये हमारा डिपार्टमेंट जूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स JNK गवर्नमेंट का जो है ये इसको कराया है, हमारे डॉक्टर स्लीमर जो है मान साहब हैं, डायरेक्टर जनरल जूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, तो उनकी देख रेख में ये सारा काम जो यहाँ ये जो 27 को हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था कंडी गुलूता एरिया में, उस दौरान जब 6 ग्रेनेड पकड़े गए थे और कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी थी, उसमें 3 लोग जो हैं हमने गिरफ्तार किए थे। उन 3 लोगों की जब फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की, उसमें से एक जो है वो यासिन नाम का जो इंडिविजुअल है, टेररिस्ट एसोसिएट है, उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि उसके पास और भी सामान पड़ा हुआ है। तो रात को फिर ये एक और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बालाकोट सेक्टर में, डाबी विलेज में, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन उसकी जो शनाख्त पे जो हमने फर्दर रिकवरी की है, उसमें 2 पिस्टल हैं और 70 पिस्टल के राउंड हैं और 2 ग्रेनेड हैं। अभी जो है वो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, इसका भी लिंक जो है वो पार से ही है, क्योंकि पहले वाले ग्रेनेड भी इन्होंने ही दिए थे और ये वाली रिकवरी भी उसी के साथ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं, अभी असर्टेन कर रहे हैं कि और इनके पास क्या असला और एमनिशन है। हाँ, ये जो एरिया है वो हम इसको बड़े संजीदा ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरह की रिकवरी होना और फिर इनके जो मंसूबे हैं उनको देखते हुए हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे ये सारा सर्च ऑपरेशन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ फार्मर मेंबर्स भी होते हैं जो किसानों की क्या तवक्को है हमसे, वो हमसे क्या चाहते हैं वो भी अपना सामने रखते हैं और हम उनकी सजेशंस के अकॉर्डिंग ही अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ही आज हमारे यहाँ पर एक रबी की सीज़न का किसान मेला भी आयोजित किया गया है, हमारे माननीय जो वाइस चांसलर साहब हैं उनकी ये डायरेक्शन थी कि एक किसान मेला यहाँ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स अपना यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करेंगे, अपना डिस्प्ले लगाएंगे, और ताकि किसान को एक ही मंच पर एक ही विंडो सिस्टम में सभी जो उनके लिए स्कीम चल रही हैं उनके बारे में बताया जा सके।